140 पे भी वाइब्रेशंस बिल्कुल फील नहीं हुए, थोड़े से हुए, एकदम हल्के 120 के बाद हल्के हल्के वाइब्रेशंस फील हुए, बट ट्रस्ट मी दिस इज ब्यूटीफुल। ओह रॉयल एनफील्ड क्या कर दिया यार, कमाल कर दिया, वाह लुक एट दिस। राइट गाइज, गाड़ी ले लिया है मैंने, वाओ स्मूथ एज बटर। चलो थैंक यू अजहर भाई, अभी कुछ होगा नहीं ना, कुछ आया होगा तो मैं आऊँगा फिर से, हाँ। चलो थैंक यू, चल रहे ये तो गाइज, आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता है ही कि मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में क्यों आया था, ब्रह्मा मोटर्स में मैं क्यों आया था। क्लासिक 350 ने मेरी जो हालत की है पिछली बार, और आई एम टेलिंग यू 60-65 किक्स कुछ तो मारने पड़े थे मुझे। आप वो प्रीवियस वाला वीडियो देखो, मेरी वाट लग गई थी मेरी पूरी, इसीलिए मैंने तय किया कि सर्विस सेंटर ही से छोड़ दूँ, बट अभी तो कुछ टेंशन है, ऑन विन भी एकदम कड़क हो गया है। ऑलराइट गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी ब्रह्मा मोटर्स शोरूम में, जहाँ पे मुझे इंटरसेप्टर का एक वीडियो बनाना है, क्योंकि मैंने बहुत से रेप्यूटेड यूट्यूबर्स को सुना है फॉर दैट सेक इवन पावर ड्रिफ्ट को, कि उस गाड़ी में वाइब्रेशंस नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू चेक इट आउट, एक वाइब्रेशन टेस्ट ले लेंगे और कंपेयर करेंगे इंटरसेप्टर 650 ट्विन का वाइब्रेशन विथ क्लासिक 350। बॉय ओ बॉय, गाइस यूट्यूब वीडियो में ये गाड़ी वाकई में काफ़ी छोटी लगती है, बट इट इज़ अ मशीन, इट इज़ अ बिग मशीन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। राइट गाइस, एज यू कैन सी, न्यू इंटरसेप्टर 650 ट्विन और ये मेरी क्लासिक 350, वाइब्रेशन टेस्ट, ट्रेडिशनल वाइब्रेशन टेस्ट करने वाले हैं। एंड बॉय ओ बॉय, मैंने अभी देखा इसमें एक्चुअली बहुत कम वाइब्रेशन है, और आपको भी दिखा देता हूँ, साइड बाई साइड कंपेरिजन कर लेंगे इसका। मेरे साथ आदित्य है जो मेरा साथ देने वाले इस वीडियो में, व्हाट्सअप। तो या आई थिंक विल जस्ट स्टार्ट, ओके। कि गाइस वाइब्रेशन इतना ज़्यादा है कि ग्लास हिल रहा है अपनी जगह से, क्लासिक 350। तो लेट मी ट्राई एंड बैलेंस इट समवेयर। ओ बॉय लुक एट दैट, ऐसी हालत में राइडर हाईवे पे अराउंड 4000 RPM पे अभी गाड़ी है, उसमें ये हाल है, सोचो। हैंडल बार वाइब्रेशंस, देयर यू गो, गजब है गजब बॉस, गजब। ऑल राइट, लेट्स टेस्ट इट ऑन इंटरसेप्टर ना। स्लोप पण आहे जास्त, राईट, थोडी एक 2000-3000 वर कंटिन्यू ठेव ना। ग्लास अपनी जगह से हिल नहीं रहा है गाइस, एट 2500 RPM, 3000 RPM ग्लास इज नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, एंड वाइब्रेशन के मामले में ये गाड़ी फेल। अभी इसका मैं टेस्ट ड्राइव लेके एक्चुअली महसूस करूँगा कि हाउ गुड इज़ इट, एंड आपको भी बताऊँगा कि इसमें वाइब्रेशन इतने कम क्यों आते, ऐसा क्या किया है रॉयल इनफील्ड ने जिससे वाइब्रेशन कम आते हैं। ऑलराइटी, ओके गाइस ब्रेक्स चेक कर लेते हैं, ओके ब्रेक्स आर ओके। वो द इनिशियल टॉर्क, ट्रस्ट मी गाइस दिस मशीन इज ब्यूटीफुल, बी ई ए ब्यूटीफुल। ओ ये देखो
अरे क्या आराम से क्रूज कर रही है, क्लासिक 350 बोलना नहीं चाहिए लेकिन कई झक मारती है इसके सामने, ट्रस्ट मी। आई डोंट नो कैमरा में कितना रिकॉर्ड होने वाला है, लेकिन एग्जॉस्ट में से एक विसल आता है जो कि इतना प्यारा लगता है ना सुनने में साउंड इसका। ओ नाउ मैं देखता हूँ कोई खाली रोड मुझे मिला तो मैं इसे भगा के देखूँगा, एंड आई होप कि खाली रोड मुझे मिले। ओह लुक एट दैट पुल, आई एम नॉट यूज्ड टू इट गाइस, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ पुल। Slipper clutch is actually doing its job best on a Royal Enfield, trust me. अगर आप traditional Royal Enfield user हो तो पता आप इस पर बैठने के बाद first gear में ही आपको पता चल जाएगा this is something different. अब ये test drive का गाड़ी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्यार से चला रहा हूँ, otherwise एक बार वो BRT का रोड आने दो यार, वहाँ पे अलाउड नहीं है किसी को, बट देखते हैं कुछ तो जुगाड़ लगा के अंदर घुसने का ट्राई करते, लेट अस सी। सस्पेंशंस गुड, और ये सीट है ना YouTube वीडियोस में ना बहुत छोटी दिखती है, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल गाइस, ट्रस्ट मी क्वाइट कंफर्टेबल, और लॉन्ग राइड के लिए कोई कुछ टेंशन ही नहीं है। ओके ये रहा BRT का रोड, यहाँ पे घुसने देना चाहिए रे, मजा आवे, बहुत ज़्यादा मजा आवे। वाओ अपना काम तो साहेब ने कर दिया, MH 42। ऑल राइट देयर यू गो, अभी इनिशियल पिकअप ही देखो। वाओ ABS ने बचा लिया, ट्रस्ट मी ABS ने बचा लिया, ओ गया था वरना। 140 पे भी वाइब्रेशंस बिल्कुल फील नहीं हुए, थोड़े से हुए एकदम हल्के, 120 के बाद हल्के वाइब्रेशंस फील हुए, बट ट्रस्ट मी दिस इज ब्यूटीफुल। ओ रॉयल एनफील्ड क्या कर दिया यार, कमाल कर दिया, वाह लुक एट दिस। Really fine and up.
रीज़न इसके वाइब्रेशंस कम होने का, एक तो पैरेलल ट्विन इंजन है, मतलब दो सिलेंडर वाला इंजन है, दो पिस्टन ऊपर नीचे करते रहते हैं, वहीं पे आपका 50% वाइब्रेशन ख़त्म हो गया। सेकेंड थिंग है, इसमें बैलेंसर शाफ्ट दिया है जिसकी वजह से और 30-40% वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं। और थर्ड थिंग, हैंडल वाइब्रेशन कम करने के लिए ये देख सकते हो यहाँ पे ये क्रॉस बार इन्होंने ही दे दिया है, मतलब ना ही कोई आरडी का हैंडल बार एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत, ना ही कुछ। सिटिंग पोजीशन क्लासिक 350 वाला जो राइडर है या फिर क्लासिक वाले जो राइडर है उनके लिए एकदम बढ़िया पोजीशन है, लॉन्ग ड्राइव के लिए एकदम मतलब कुछ टेंशन ही नहीं आएगा यार, बेस्ट। लीनियर पोजीशन में आप बैठ सकते हो, मेरा हेलमेट पूरा हिल गया यार, 140 के आगे जाके आया मैं। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द मशीन। सोच रहा हूँ ले लूँ, क्या करूँ कमेंट्स में प्लीज बताइए, लेने की तो बहुत तमन्ना है, इच्छा बहुत है। आई जस्ट होप यार, आपके ऊपर है, चैनल पे आप देखना चाहते हो ये गाड़ी मेरे हाथ में, मजा आएगा। सो दैट इज द रीजन वाइब्रेशन इतने कम हो गए, मेनली ये वीडियो वाइब्रेशन टेस्ट पे ही है। गाड़ी मतलब उठा देती है, पीछे चले जाओगे यार आप पूरा, और फायरिंग का आवाज भी, इट इज ब्यूटीफुल यार। दो एग्जॉस्ट की वजह से जो अनइवन वॉइस आता है ना, ऑसम ऑसम। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा रहा, वाइब्रेशन टेस्ट का मेन मुद्दा था अपना, वो तो मतलब ब्यूटीफुल है, कुछ सवाल ही नहीं। ओके, अगर कैमरा में साउंड अगर कैप्चर हो रहा है तो लिसन टू द विसल ऑफ द इंजन है ना। ओके, नॉट नाउ, नाउ राइट। रॉयल एनफील्ड, अ बिग 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 फैट थम्स अप टू यू फॉर मेकिंग दिस मशीन, दिस इज Awesome, OMG, OMG हो चुका है, और नीचे से आना पड़ेगा अभी। Oh man, the pickup, the initial torque you get, awesome. Trust me. मेरी बहुत इच्छा हो रही है यार लेने की, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई सीरियसली डोंट नो व्हाट टू डू। बी ई ए ब्यूटीफुल, आता कशी लावायची हिला, राहू देऊ। हू, ऑल राईट गाईज, दॅट इज रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 ट्विन फॉर यू। कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा आपके थॉट्स इसके बारे में क्या है, ये भी बताइएगा अगर आप चाहते हो कि मैं ये गाड़ी लूँ। आई नो YouTube वीडियोस में ये गाड़ी छोटी दिखती है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप क्लासिक 350 के साथ कंपेयर करोगे तो उससे भी थोड़ी बड़ी लगती है ये रियलिटी में। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल इंजन, एंड मेन कंसर्न यार, मेन कंपेनियंस ऑफ अ रॉयल एनफील्ड राइडर, द वाइब्रेशंस जो टोटली चले गए हैं इसमें से, ऑसम। So yes, do let me know your thoughts on this, do let me know if you want me to buy this, if you want to see this bike on our channel. And yes, I think I'll end this video right over here. Thank you so much for watching guys. I appreciate your support as always. And ride safe. Bye. All right guys, back to vibrations. Isme kuch pull nahi, kuch nahi. Full throttle kiya to bhi piche nahi jayega aadmi. Wo chalane ke baad. But yes, someday. Someday.